आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा लुधियाना से शिमला वाया चंडीगढ़ और दिखाऊंगा शिमला की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है इस वीडियो से मेरी द शिमला व्लॉग सीरीज। तो लुधियाना से हम 1.5 घंटे में पहुंच गए हैं ISP 43। हम 7:30 बजे बस में बैठे थे, वॉल्वो बस थी, और एग्जैक्टली 9 बजे हम ISP 43 पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, लाइट भी रखेंगे, मैंने पैटी ऑर्डर की है, और इसके बाद हम पकड़ेंगे शिमला की बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा ये व्लॉग होने वाला है द शिमला व्लॉग। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ शिमला, और मुझे यहाँ पर पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली मान के चले तो 5 घंटे के आसपास लग गए। लुधियाना से चंडीगढ़ मुझे लगा 1.5 आवर। सुबह 7:30 बजे मैं निकला था लुधियाना से, वहाँ से मैंने वॉल्वो बस ली थी, और 9 बजे मैं पहुँच गया था चंडीगढ़ Sector 43। उसके बाद मैंने PRTC की बस ली चंडीगढ़ से, और मैं 2 बजे के आसपास यहाँ पर बस स्टैंड पर पहुँच गया था, शिमला बस स्टैंड, और उसके बाद वहाँ से मैंने टैक्सी ली जिसने मुझे मेरे होटल द कॉस्मोस मॉल रोड तक पहुँचाया। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मॉल रोड पर तो व्हीकल्स अलाउड नहीं हैं, तो मेरी टैक्सी ने मुझे ड्रॉप किया हाई कोर्ट तक, और वहाँ से स्टेयर्स लेके मैं पहुँचा हूँ मॉल रोड होटल कॉस्मोस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना शिमला व्लॉग, आपको दिखाएंगे मॉल रोड, जाखू टेंपल, और जो भी लोकेशंस मैं इन 4-5 दिनों में कवर कर पाऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको देता हूँ मेरे रूम का टूर। तो ये है मेरे होटल का छोटा सा रूम जो कि मॉल रोड पे है, और यहाँ से ये मॉल रोड का व्यू दिखाई देता है, और रूम छोटा है पर अच्छा है। ये डीलक्स रूम बुक करवाया था मैंने, और मैं घर से ही बुकिंग करवा कर आया था, क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम है, 14 से 18 जून की मेरी बुकिंग है, और गर्मी की छुट्टियां होने के कारण अगर आप बिना बुकिंग के आएंगे तो आपको रूम मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो ये है मेरे होटल का रूम, यहाँ पर दो चेयर्स और एक टेबल भी है। और ये है हमारी अलमीरा। अभी अभी मैं लंच करके आया हूँ अपने होटल के बाहर से। मैंने कहा चलो मॉल रोड पर हैं, थोड़ा सर्वे करते हैं, फर्स्ट डे है। लंच मैंने कर लिया, मैंने डोसा खाया, लेकिन उसके बाद अब दोपहर का टाइम है, हम पंजाबियों को आदत है चाय पीने की, और यहाँ पर जनाब आपको सॉफ्टी तो बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन मैंने 2-3 जगह चाय पूछी और मुझे तीनों जगह चाय नहीं मिल दी।
यहाँ पर कहते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट के साथ चाय मिल जाएगी, लेकिन अदरवाइज लंच में तो मुझे, लंच के बाद तो मुझे चाय मिली नहीं। तो देखते हैं, मैं लोअर बाज़ार तक गया था, मुझे वहाँ भी चाय नहीं मिली, लेकिन देखते हैं आगे चल के लक्कड़ बाज़ार में या शिमला घूमते घूमते कहीं मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं चाय पी सकूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो चाय ऑर्डर की है वो अपने होटल से ही ऑर्डर कर ली, बट मैं चाहता था कि मैं बाहर टहलते टहलते मुझे चाय मिले। तो आप, अगर आप शिमला आते हैं और मेरी तरह चाय के शौकीन हैं, तो हो सकता है कि आपको ये दिक्कत आए। फाइनली द मच नीडेड टी ब्रेक। सुबह घर से निकला था तब पी थी चाय, और उसके बाद एक बार बस स्टैंड पे पी थी, और अब बड़ी जद्दोजहद के बाद चाय मिल गई है। चाय हमने पी ली है, शाम हो चुकी है, तो चलिए अब आपको घुमाते हैं द मॉल रोड शिमला। स्टैचू जो आपने अभी देखा है, डॉक्टर YS परमार, ये फाउंडर ऑफ हिमाचल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनकी वजह से ही आप शिमला टूरिस्ट प्लेस घूम पा रहे हैं। यहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर इनका स्टैचू है, अगर आप शिमला आते हैं तो ज़रूर इसे देखें। Thank you.
बोर्ड है, थोड़ा सा मिट चुका है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेस्ट योर फिजिकल फिटनेस, और यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। नीचे सबसे एंड में लिखा हुआ है यू आर फिट इफ यू कैन वॉक टू जाखू। तो अगर आपने अपनी फिटनेस टेस्ट करनी है, जाखू मंदिर पैदल जाइए, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। वैसे भी आप बाहर आएंगे, बाहर का बील खाएंगे, थोड़ा सा कैलोरीज आपकी बढ़ेंगी, तो जाखू मंदिर तक चल के जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपके 8:30 बज रहे हैं, ये है हमारा शिमला में डे वन, डिनर का टाइम हो गया है। मैं अब डिनर करने लगा हूँ, मैंने अपना ऑर्डर जो प्लेस किया था वो विद इन 30 मिनट्स मेरे रूम में आ गया है, तो मैं आपको अपना ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये है मेरा आज का डिनर का ऑर्डर, मैंने चीज़ टोमेटो मंगाया है और साथ में तवा रोटी मंगाई है। लेकिन डिनर का टाइम है, अपने रूम में आराम से रिलैक्स करके बैठकर खाएंगे, और बाहर मैंने अभी चेक किया है, रोड भी खाली हो चुकी है।